أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के अदवार के कुछ किस्से, कुछ वाक़यात सुनाएंगे। कुरान में भी हैं और क़ससुल कुरान बल्कि जो किताब जनाब मौलाना मकारिम शिराज़ी साहब ने लिखी है उसमें मौजूद है। पहले सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे कि भई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम का जो है कुरान के अंदर 30 सूरों के अंदर 100 बार तस्करा है, ये इतना किसी नबी का जिक्र नहीं होगा जितना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और हर वाक़ा कुछ ना कुछ सबक सिखाने वाला है, हर वाक़ा। अब हम थोड़ी देर के लिए पहले जो है उनकी विलादत और उनकी विलादत के बाद अल्लाह ताला ने उनको कैसा दुश्मनों से महफूज रखा उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे और इंशाल्लाह आइंदा एक एक दौर एक एक उसके बाद बताएंगे। जब फिरौन का जो ज़माना था बहुत ही जुल्म इस्तेबदाद का था और वो अपने आप को खुदा कहता था, लेकिन उस ज़माने में इल्म नुजूम और जादू ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। तो इल्म नुजूम के जरिए नुजूमियों ने उसको बता दिया कि एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा जो तुझे खत्म कर देगा, तेरी खुदाई को खत्म कर देगा। तो फिरौन ने एक काम किया था कि फिरौन ने पूरे जो है जितने भी बनी इसराइल और वहां के लोग थे जिनके हमल होते थे और उसके बाद जब बच्चे पैदा होते थे तो जो जो लड़का पैदा होता था उसको ज़िबह कर देता था, कत्ल करवा देता था। उसके लिए उन्हें कई दाइयों को, कई जो है जासूसों को, सबको मुकर्रर किया था कि भाई वो तलाश करते रहें किस कौन सी औरत किसके पास जो है तो कौन हमल से है और वो हमल के वक्त जाए और उसके जब विलादत हो बच्चे की देखे कि लड़का है या लड़की लड़का है तो उसको ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला ने उसी ज़माने में, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को अगर महफूज रखे और किसी की जो है तो हिफाजत करना चाहे तो कौन उसका क्या करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो हमल है उनकी वालदा के रहम में ठहरा और वो तो उसके आसार बाहर कुछ नमूदार नहीं है, लोगों को पता भी नहीं चला कि हामिला है। इस तरह से आपके जब और उसके बाद जो है तो उनके विलादत से खबर जो है, हज़रत मूसा की वालदा भी बड़ी अच्छी नेक खातून थी, उन्होंने उनकी एक दोस्त थी और वो दाया थी और वो दाया जो है फिरौन के कबीले से ताल्लुक़ थी। फिरौन के कबीले को खप्ती कबीला कहते थे, उस कबीले से उसका ताल्लुक़ था। अब जब आशार विलादत नमूदार होने लगे तो हज़रत मूसा की वालदा ने जो है उस दाया को बुलवाया कि कुछ दाया आपकी सहेली थी। वो दाया जब आई और उसको जब मालूम हुआ कि अंदर जो है तो हमल में होने वाला तवल्लुद वो लड़का है ये है, तो उसने दिल में सोची कि भाई अब कितना भी हो तो क्योंकि जब ये लड़के की खबर मैं दूंगी फिरौन के पास मुझे इनामात मिलेंगे और मैं जो तो फ़ायदे में रहूँगी। लेकिन जब हज़रत मूसा की विलादत हुई और हज़रत मूसा को देखी उसने तो उनकी आंखों का नूर और वो उसको इतनी रग़बत वो पैदा किया, उसने बोली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बोली कि ये लड़का तो ऐसा है कि भाई मेरे को इससे उल्फत और मोहब्बत होगी, हालांकि ये लड़का हमारा दुश्मन बनेगा और हमारे कब्ती कबीले का और फिरौन का जो दुश्मन यही शायद वो लड़का है जिसके बारे में हो गया, लेकिन अब मैं इसकी खबर किसी को नहीं दूंगी। और वो दाया जो है तो आहिस्ता से उनके घर से निकल गई। जब आहिस्ता से निकल गई मैं दाया आके निकली तो फिरौन के जासूस चौतरफ फिर रहे थे, इधर उधर सब चौतरफ फिर रहे थे। अब उन्हें दाया को निकलते देखे तो वो तफ्तीश करना चाहे कि भाई ये दाया यहाँ से क्यों आई,
वैक्यूम अंदर से निकली। अब वो अचानक जो है तो हजरत मूसा की वालदा के घर में घुस गए, जासूस, फिरौन के जासूस घुस गए, और हजरत मूसा को गोद में ली हुई थी मूसा की वालदा। उन्होंने देखी कि ये आए ये खातिल हैं, तो इससे पहले किसी जगह छुपा दूं, और फौरन इनके सामने तंदूर था, तंदूर में उन्होंने बच्चे को डाल दिया, तंदूर में डाल ले, और वो ये समझी कि मैंने महफूज जगह पे डाल रख दी। वो लोग आए, जासूस आए, इधर देखे उधर देखे, और वो देखे कि तंदूर तो जल रहा है, रोशन था तंदूर, उसके अंदर हजरत मूसा को डाल दिया। उन्हें देखी भी नहीं कि जला इसमें आग रोशन है, और उसके बाद जो तो देखे कि भाई यहाँ तो कोई दिख रहा है नहीं, बच्चा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, वो वापस चले। वो वापस जाने के बाद हजरत मूसा की वालदा को एकदम परेशान है कि मैंने बच्चे को कहाँ लिखा। मूसा की बहन थी, उन्होंने बोले आपने यहाँ डाले, यानी अभी गौर कर रही हूँ कहाँ डाले, कि एकदम तंदूर में से रोने की बच्चे की आवाज आई। जो देखे तो वो अल्लाह ताला ने उस आग को, जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद की आग को ठंडा कर दिया था, इस तरह से ये तंदूर में की पूरी आग ठंडी हो गई, और उसमें हजरत मूसा खेल रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा। अब उसके बावजूद भी ये जासूस आकर गए थे, ये गए थे कि हैबत से होने लगी कि भाई ये कभी ना कभी ये जासूसों को मालूम हो जाएगा, वो आएंगे और अपने को कत्ल, बच्चे को कत्ल कर देंगे। इसी शशोपंज में थी वो कि अब क्या करें बच्चे, तो अल्लाह की तरफ से इलहाम होता आपको कि तुम ऐसा करो कि एक कश्ती में, एक संदूक में इनको दरिया के हवाले कर दो। आप जाती एक बड़ाई के पास जाती, वो बड़ाई भी इत्तेफाक से खपती कबीले का था, यानी वो फिरौन के ही उससे ताल्लुक रखने वाला था, जो बनी इसराइल पर हमले करते थे, बनी इसराइल को कमजोर बना के रखे थे, मजदूर बनाए थे, वो खपती कबीला था जो फिरौनी लोग। उस बड़ाई के बाद आप जाके बोलेंगे मुझे एक ऐसा संदूक बनाना है जो कश्ती नुमा हो, जिसके अंदर जो तो जो पानी में तैरे, उसमें क्या उसने कहा क्या करने के लिए, वैसा क्यों करना है। तो हजरत मूसा की वालदा बहुत ही जो तो नेक खातून थी, उन्होंने उनसे छुपाया नहीं गया, उन्होंने झट से जो तो सच बोल दिया कि भाई वो मेरा बेटा है, उसको मैं उसमें बहाना चाहती हूँ, उसमें दरिया में डालना चाहती हूँ उसको। अब इस बड़ाई को उनके लिए तो तैयार हो गया बनाने के लिए, लेकिन उसको इनाम की लालच आई। वो फिरौनियों के पास जाता है, फिरौन के दरबार में जाकर जो तो बताना चाहता है कि भाई ऐसा सा एक बच्चा है जिसको मैं संदूक बनाने वाला हूँ, उसमें वो ले जाने वाली औरत, और जब ये मेरी मैं जब खबर सुना दूंगा तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा। वो जब जाकर वहां पर बात करने जाता तो एकदम उसके अल्लाह ताला उसकी जबान बंद कर देता। अब वो इशारों से कुछ बोलता, ऐसा ऐसा कुछ, वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसको बढ़ा देते वापस, और अल्लाह ताला ने फिर उसको दोबारा जबान दे दिया, फिर होश में आ जाता तो मतलब फिर जाता हजरत यानी मूसा के अलैहिस्सलाम के विलादत के और उनकी जो तो बारे में, वो संदूक के बारे में बोलने के, फिर वहां जब जाता दरबार में फिर उसकी जबान बंद हो जाती, फिर वैसे इशारे करने लगता तो लोग उसको मारते, मार के बढ़ा देते पागल है समझ। अब इसने समझता कि भाई इसमें कुछ ना कुछ राज है, अल्लाह ताला का कुछ वो है इसमें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, गया फिर संदूक वगैरह बना के करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के सुपुर्द किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बच्चे को लेके अपनी बेटी के साथ दरिया के किनारे जाती और दरिया में डाल देती। उस वक्त आपकी कैफियत, एक माँ की कैफियत क्या होती है, वो कैफियत हुई आपकी, आप बहुत परेशान होने लगी, क्या होगा, पानी में डाल दिए, अल्लाह की तरफ से नहीं, तुमको बहुत जल्द मिला दिया, ये सूरह कसस में साथ में। तो खैर आपको जब वो छोड़ देते तो वहां पे वो जो कैफियत माँ की होती है, उस वक्त क्या कैफियत होती है, वो एक शायरा जो तो फारसी में उसने ये बताई कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा इल्हाम ने लगा, ऐ मूसा की माँ तुम घबराती क्यों हो, तुमने जो दरिया के हवाले किया है
ये दरिया भी तो हमारे ही कंट्रोल में है, हम ही उसको जो तो चलाते हैं, हम ही उसको, ये दरिया की लहरें इसको तुम्हारे जो झूला है झूले से ज्यादा आराम से रखेंगे और इसको आराम से झूला झुलाते ले जाएंगे। तुम जब दरिया में दाग रही थी तो तुम नहीं देख रही कि वो हमारे हाथ उसको ले रहे थे, तुमको हमारे हाथ नहीं दिख सकते, और हम जो है तो उसको महफूज मकाम पर ले जाएंगे और उसको जो है तो आगे परवरिश और उसका जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ताला जो तो ये इल्हाम आपको कर दिया और इस वजह से आप इत्मीनान से चलेगी। अब उसके बाद क्या होता है, वो जब जाती तो वो वाक़ा आगे का जो बढ़ता है कि बीबी आसिया जो फिरौन की बीवी थी मगर बड़ी मोमिना औरत थी, उन्होंने बच्चे को देखा और उसको जो है लेकर आ गई और बोले कि भाई जब हमारे पास रहेगा तो हमारा दुश्मन नहीं होगा वगैरह। इसके वाक़ात भी हम तफसील बताएंगे मगर यहाँ पे एक ही चीज़ बताना जरूरी कि जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बीबी आसिया ने लेके गई और एक एक दाया को बुलाई गई, हर दाया आती मगर कोई यानी हर और किसी औरत का जो तो यानी हर बच्चे की माँ जो दूध देने वाली औरतें थी उनको बुलाया गया दायाओं के जरिए और वो दूध पिलाने जाती हैं, आप दूध पीते नहीं, बच्चे की बुरा हाल होने लगा। उसे मूसा अलैहिस्सलाम की बहन माँ कहती थी, मैं बोले एक औरत को बताता हूँ जिसके दूध वो पिएगा, तो लाओ लोगों ने बोलते। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वहाँ लाया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब बच्चे को दूध मिलते थे साथ ही बच्चा दूध पीने लगता, वो तो खुशी भी होती मगर लोगों को एक ताज्जुब होता, तहकीक करना चाहते, बोलते ये तुम्हारा दूध क्यों पिए सबके दूध से, तुम ही इसकी माँ हो। नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे दूध में वो खुशबू रखा है कि कोई बच्चा झड़ से पी ले सकता, और अल्लाह ताला ने एक खासियत पैदा कर दिया था कि आपके दूध से खुशबू आती, उसी वक्त वो बात पैदा हुई, यानी कैसा होगा कि वो लोगों को भी ये महसूस होगा कि नहीं ये बच्चा जो दूध पी रहा है ये माँ और बच्चे का ताल्लुक नहीं है, ये दूध की कुछ खासियत है, ये बच्चा जो है तो दूध पीने लगा है। ये जो तो विलादत के कुछ वाक़ात है, इसमें अपने को समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को महफूज करने और उससे कुछ काम लेना है तो किस किस किन किन हालात से कहाँ कहाँ तक पहुँचाता है, ये आपके बचपन का छोटा सा यानी मुख्तसर से जो हम वाक़ा बता दिए हैं, इससे बहुत चीज सबक लेने की है। और उसके सबसे बड़ा सबक है कि अल्लाह जिसको चाहता है अगर महफूज रखना चाहता है और उसकी हिफाजत करना चाहता है तो बंदों में से कोई किसी में कोई ताकत नहीं है कि उसको ईज़ा पहुँचाए। इसी तरीके से आपका बचपन जो है तो अल्लाह ताला ने हिफाजत के साथ गुजारने के लिए आपको माँ के पास भी मिला दिया और आपको दुश्मनों से महफूज भी कर दिया, और ये आपकी विलादत का थोड़ा सा हम बता दिए। इंशाल्लाह आगे जो है तो आपकी परवरिश में क्या क्या हुआ और कैसा क्या क्या आपकी बुलंदी हुई वो बताएंगे। आपको एक और बात इसी वक्त ये बता दूं कि हजरत यानी फिरौन की एक बेटी थी जो बीमार थी, उसको लोगों ने कहा कि भाई इसको एक ऐसा बनी इसराइल का बच्चा रहेगा फर्द रहेगा जिसका अगर लुआब दहन लगा दो तो साफ हो जाए। और बीबी आसिया ने वही उनको एकदम ख्याल आता कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने इनका हजरत मूसा का लुआब उसकी बेटी को लगाया और वो सेहतमंद हो। उस वक्त से जो तो बीबी आसिया को भी जो है तो आपकी अजमत का एक एतमाद और यकीन पैदा होने लगा, इसलिए आप को उनसे बढ़ती है। ये चंद तीन दो तीन बातें थी जो आपकी बचपन से के और विलादत के बारे में। इंशाल्लाह आगे हम दूसरे आगे उन वाक़ात को बढ़ाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ात को तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद।